गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वैसे प्रॉब्लम पे काम करेंगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्लेक्स है, और ये सभी क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल्स जीरो टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो, ये टू बाई टू मैट्रिक्स है। I is identity matrix of order 2, then so that I plus A equals I minus A into this. शो करना है। सबसे पहले आपको शो करना है, तो जब भी किसी क्वेश्चन को शो करना हो तो देखना है कि उसका कौन सा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, राइट पार्ट कॉम्प्लेक्स है या लेफ्ट पार्ट। तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं किसका राइट पार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो राइट पार्ट को लेकर के चलना है और लेफ्ट पार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास i प्लस ए है। i को आप वन टू बाई टू कहें तो वन जीरो जीरो वन लिखेंगे। ए के रूप में काम कौन कर रहा है, ए के रूप में जो मैट्रिक्स काम कर रहा है वो क्या है, जीरो टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और जीरो है, ठीक है। ये ए के रूप में काम कर रहा है, तो प्रूफ करना है कि जीरो प्लस इक्वल्स सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्म में लाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल कितना, वन प्लस जीरो, वन जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये क्या हो गया, जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू, वन प्लस जीरो वन, मतलब कि हम लोग का लेफ्ट पार्ट आ गया। लेफ्ट पार्ट मीन्स आई प्लस ए इक्वल्स जो आपने लाया, अब इसको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, मीन्स जो हम लोग के पास राइट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक चीज़ है कि हम लोगों को जो प्रूफ करना है इसमें कि एक टर्म ये माइनस भी है, ये माइनस छूट गया यहाँ पर, मतलब माइनस यहाँ पर रूट होगा, मतलब माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये हम लोग को मतलब कि इस पार्ट को राइट पार्ट को कितना प्रूफ करना है, सिंपल है। देखिए राइट हैंड साइड में जो आपके पास पार्ट है वो आई माइनस ए इंटू क्या दिया, इंटू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ये पार्ट दिया होगा, ये भी टू बाई टू, ये भी टू बाई टू। तो अब करना क्या है, देखिए इसको हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं आई माइनस ए, आई मीन्स व्हाट, आई वन जीरो जीरो वन माइनस ए, माइनस ए मतलब माइनस ए मीन्स जीरो, माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और जीरो, ये जो कुछ आएगा इसमें गुना करना है किसको, गुना करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और ये क्या है कॉस अल्फा। तो मैं अगले स्टेप की बढ़ रहा हूँ, तो इसको आप पहले माइनस कीजिएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस माइनस कितना हो गई है, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, टेन अल्फा बाई टू, ये क्या हो गया, जीरो माइनस इतना, इसको माइनस टेन अल्फा बाई टू यहाँ भी कहेंगे, वन माइनस जीरो वन हो गया, इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये क्या है कॉस अल्फा। अब प्रोडक्ट किस तरह करेंगे इस पर गौर कीजिएगा। प्रोडक्ट से पहले आप याद कीजिए फॉर्मूला पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कॉस अल्फा का, एलेवेंथ क्लास में कॉस अल्फा इक्वल्स आपको पढ़ाया गया था वन माइनस, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। साइन का पढ़ाया गया था माइनस, बाहर में ये साइन का पढ़ाए थे टू
टेन अल्फा बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू टेन अल्फा बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। और इसको लिख सकते हैं इस तरह से वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये हम लोग इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको समझने में बोलिए, मतलब कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है क्लास इलेवेंथ में कॉस अल्फा का ये और साइन अल्फा का। अब मैं इस दोनों को गुना कर सकता हूँ। गुना करने से पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सारा जितना भी टर्म है सब में टेन अल्फा बाय टू है। इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मान लिया लेट टेन अल्फा बाय टू इक्वल्स टी। जब इसको टी मान लिए तो आपका प्रोडक्ट करना आसान होगा, वन ये टी ये माइनस टी ये वन, नहीं वन टी माइनस टी वन। फिर यहाँ पर भी कहिएगा वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और ये भी हो गया वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। मतलब कि इसको मैंने इस तरह लिखा। अब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करना भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें अच्छे से। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने सिखाया था मैंने, इसको फिर से इनहेंस करके अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। वन इंटू दिस वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और टी इंटू समथिंग करेंगे तो प्लस कितना आएगा टू टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर आएगा ना। वन इंटू समथिंग रिमेंशियम आ गया प्लस टी इंटू टू टी स्क्वायर बाय वन स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे कितना आएगा, वन इंटू इतना तो माइनस माइनस टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और टी इंटू समथिंग तो करेंगे कितना आएगा ये प्लस टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। मतलब कि गुना के आगे वन इंटू टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर से। उसके बाद फिर इसको गुणा करेंगे इससे, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और प्लस टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। और लास्ट में जब देखो इसको इसे कर दिया गया, मतलब कि इसको आपने इसे किया और वन को इसे किया, फिर इसको इसे करेंगे तो कितना आएगा माइनस 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 प्लस हो गया प्लस टू टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये वन इंटू इतना ये कितना हो गया प्लस वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करना है, फिर ये तो हमने एक स्टेप और बाकी रह गया, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको सोचिए थिंक कीजिए कि इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। सॉल्व करने में सबका एलसीएम तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आएगा, सभी का एलसीएम लेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब हम लोग मिटा रहे हैं ऊपर टर्म को, अब उसके अकॉर्डिंग किस तरह काम करना है इस पर गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके चलूँ तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, दैट्स राइट। इसका एलसीएम लेके चलूंगा तो इसका एलसीएम वन प्लस टी स्क्वायर होगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू टी प्लस टी। ऐसा करें अगर से हम लोग टी कॉमन निकाल लें, टी कॉमन निकालेंगे या माइनस टी कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस टी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, माइनस टी कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा टू, और ये माइनस कितना हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, दैट्स राइट। यहाँ पर भी अगर हम लोग निकाल लें कॉमन, कितना कॉमन निकाल लें अगर इससे हम लोग इस दोनों टर्म से,
इस दोनों टर्म से अगर कॉमन निकालना है कितना, टी कॉमन निकालेंगे, टी कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टू बाय वन प्लस टी स्क्वायर। और लास्ट स्टेप में इस दोनों में कॉमन तो निकालना पड़ेगा ही नहीं, एलसीएम इतना हो गया, इसको टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर कर सकते हैं। अब कोई टर्म अगर कटे तो काट सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को आप सॉल्व कीजिएगा। इस दोनों को सॉल्व करने पर निश्चित रूप से क्या आया, ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, ये प्लस टी स्क्वायर आया, कट जाएगा यहाँ वन बचेगा। फिर यहाँ पर भी अगर सॉल्व किया जाए तो टी स्क्वायर प्लस वन, ये भी कट के माइनस थ्री आएगा। और यहाँ पर भी टी, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस वन, कट के वन आएगा। तो यहाँ से आप अगर वन कॉमन निकाल लेंगे तो वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, और ये टेन अल्फा बाय टू मिल गया ना।